नमस्कार दोस्तों, स्टडी टाइम्स में आपका स्वागत है। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो RPCSI की भर्ती निकाली गई थी, उसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर इस वीडियो के अंदर बात करेंगे अच्छा, दोस्तों। पॉइंट पहले पॉइंट ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों को इसमें डाउट है कि इसका इंटरव्यू होगा या नहीं, ओके तो ठीक मैं है, आपका जरूर ये डाउट क्लियर कर देता हूँ कि इसमें इंटरव्यू जरूर। होगा। इस विज्ञप्ति में जारी जो विज्ञप्ति जारी की गई थी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि एग्ज़ाम फिजिकल और इंटरव्यू के माध्यम से सिलेक्शन इसमें किया जाएगा। तो इसमें श्योर है कि इसमें इंटरव्यू होगा, बाद में नियम चेंज करें वो बात अलग है। पिछली विज्ञप्ति में यही इनका बताया गया है। इसके अलावा बात करते हैं दोस्तों इसके रिजल्ट की, इसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा। दोस्तों एक जो 3 जनवरी को लगभग इसका मतलब आंसर की जारी हुई थी, 7 जनवरी इसकी ऑब्जेक्शन की अंतिम डेट थी। लगभग 2 महीने हो चुके हैं आंसर की जारी हुए, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं हुआ और उस रिवाइज आंसर की भी इनके द्वारा जारी नहीं की गई। और दोस्तों इसलिए इनके हेल्पलाइन नंबर है जो RPCA के, उन पर कॉल की गई, तब उनके इसलिए द्वारा बताया गया कि इसका रिजल्ट इसी मंथ में यानी मार्च में जारी कर दिया जाएगा। और उन्होंने कोई फिक्स डेट इसकी नहीं बताई, बल्कि सिर्फ मार्च महीने में, यानी उन्होंने सीधा कहा कि इस मार्च महीने में जारी कर दिया गया। आप भी अगर पूछना चाहते हो तो उनसे पूछ सकते हो, मेरे हिसाब से आपको भी यही जवाब आएगा कि इसी महीने में रिजल्ट जारी होगा। और दोस्तों कितने और लगभग फिजिकल की बात करें कि फिजिकल कितने दिन बाद होगा, ये तो तो ये बिल्कुल आपको ज़रूरत है कि फिजिकल कितने दिन बाद में होगा। तो दोस्तों रिजल्ट आने के 20 दिन बाद इसका फिजिकल हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है कि आपको मैं फिजिकल में बता देता हूँ कि क्या क्या होगा। और रिजल्ट आने के 20 दिन बाद इसका फिजिकल हो जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर है। रिजल्ट में भी काफ़ी इसका टाइम भी लग चुका है, ये तो विभाग द्वारा कहा गया है। और शारीरिक दक्षता मापदंड आप देख लीजिए इसमें क्या होगा, और बिल्कुल जो तैयार हो कि जाएगी वो आपकी 20 दिन में तैयारी हो सकती है। वैसे 100 मीटर। आप इसमें 100 मीटर की दौड़ है, ज़्यादा लंबी दौड़ नहीं है, लेकिन इसमें टाइम बिल्कुल कम है। 100 मीटर की दौड़ ये पुरुष उम्मीदवारों के लिए है, 14 सेकंड में 40 नंबर, 15 सेकंड में 25 नंबर, 16 सेकंड में 15 नंबर, और 16 सेकंड से अगर कम करते हैं तो 0 नंबर है। लंबी कूद में इसी प्रकार है, 15 फिट में 30 नंबर, 14 फिट में 20 नंबर, 13 फिट में 10 नंबर, और 13 फिट से अगर कम रहता है तो 0 नंबर है इसमें। और चिनिंग अप इसमें आप, ये तस्वीर दिखाई दे रही है आपको, इस तरह से चिनिंग अप करना होगा। आप समझ गए होंगे, आपको मैं पहले बता चुका हूँ। 7 बार उतार चढ़ाव करेंगे तो 30 नंबर है, 6 बार उतार चढ़ाव 20 नंबर है, 5 बार उतार चढ़ाव के 10 नंबर है, और जो 5 बार से अगर कम उतार चढ़ाव करेंगे तो आपके नंबर बनेंगे 0। तो ये इस प्रकार फिजिकल का जो नंबरों का महत्व है, और आप जितना आप रिस्पॉन्स देंगे उतना आपके नंबर ज़्यादा इसमें बनेंगे। और ये महिला उम्मीदवारों के लिए दिया है, ये भी आप देख लीजिए। और दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करना, ताकि जी आपको RPCSI की हर ऑफिशियल अपडेट सबसे पहले मिल सके। और महिला उम्मीदवारों के लिए भी आप ये देख लीजिए, आप पढ़ लेना महिला उम्मीदवारों के लिए क्या क्या दिया गया है। और दोस्तों इसके कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ के बारे में मैं आपको इतना कहूँगा कि अगर आपके दोनों पेपर है जो पास हो रहे हैं, हिंदी वाले तो लगभग सभी को हो रहा है, जीके वाला साइंस वाला जो पार्ट था वो भी पास हो रहा है, यानी दोनों में पास मार्किंग आपके बन रहे हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपका फिजिकल के लिए नंबर आ जाएगा। और फिजिकल में आप ये मतलब उच्च क्वालिटी का फिजिकल आप अगर करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो सकता है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात है आपका पास मार्किंग बन रहा है, उसके बाद आपका फिजिकल अच्छा होगा तो आपका इसमें सिलेक्शन पक्का हो सकता है। और दोस्तों आप अगर इस चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना, और जैसे इसका रिजल्ट आएगा सबसे पहले अपडेट आपको स्टडी टाइम्स अपडेट के माध्यम से ही मिलेगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे करेगी लाइक जरूर भी जरूर करना जरूर। और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।